नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे कि इस समय की बड़ी खबर मिल रही है कि किस तरीका से प्राची की ऊपर अब गर्जिस गिरेगी, क्योंकि रणबीर की फैमिली आ चुकी है और रणबीर की मॉम इस समय पल्लवी बोलती हुई नजर आने वाली है कि हमें तो ना जाने क्यों पहले से ही शक था कि ये प्राची आज नहीं तो कल हमारे बेटे का नाश लेके ही छोड़ेगी, और अब तो खुद ने शादी कर ली लेकिन अब भी लगता है हमारे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पल्लवी किसी भी तरीका से ना कभी हार मानी थी और ना कभी हार मानेगी। पल्लवी का अपना खुद का एक वजूद है। वहीं दोस्तों बात की जाए तो रणबीर इस चीज़ से बेहद ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है कि अक्षय की बहन यानी मेहिका का बॉयफ्रेंड फिर से वापसी कर चुका है। लेकिन दोस्तों इस समय मेहिका छुपाती हुई नज़र आ रही है और अपने बॉयफ्रेंड से बोल दिया है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में किसी भी तरीका का कोई संबंध नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उसको भगाने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर बोल चुकी है आखिरकार मेहिका कि मैं इस समय रणबीर के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उसी के साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई मायनों में बहुत अलग देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि सभी लोग हैरान नहीं बल्कि इस समय सबसे ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। परेशानी का सबक आप लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि परेशानी का एक नहीं बल्कि समय कई सबक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय रिया की भी वापसी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ना रिया कहीं गई थी और ना कहीं जाएगी, क्योंकि वो रणबीर के ही साथ थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब वो रणबीर के लिए फिर से वापसी करती हुई नज़र आने वाली है। साथियों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है।